अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ सीख कबाब ग्रेवी के साथ। तो आज मेरे ब्लॉग नहीं सूट कर पाई, तो आज मैं रेसिपी ही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, इसके लिए तो किचन में चलना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं किचन में। गाइस, क्या है ये? अंडा है। अंडा अंडा बोला जाता है। अंडा खोलिए, इसको खोलिए। इसमें क्या है ताता में? अरे ताता में तो सब फिनिश कर किए हुए हैं आप, कुछ भी नहीं है ताता में। अच्छा ठीक है, बाय कीजिए। नहीं, लाइक सब्सक्राइब बोल दीजिए। क्यों बोल दीजिए? गुड बाय मीना। तो तैमूर बाबू अपना ताता दिखाए, वो अंडा को ताता बोलते हैं। तो मैं चलिए आप किचन में अपना रेसिपी शूट करने के लिए। तो चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आधा किलो बीफ है, जो कीमा तो था ही, लेकिन मैं एक बार इसे मिक्सर में और थोड़ा बारीक कर दी हूँ। आधा चम्मच मैं रखी हूँ इसमें लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच मैं रखी हूँ लाल मिर्च पाउडर, और ये है जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चम्मच मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, और 4-5 पीस ये काजू है जिसे मैं पेस्ट बना ली हूँ एकदम बारीक सा, स्मूथ सा। देखिए, एक बड़ा साइज का प्याज को मैं फ्राई कर ली हूँ, धनिया पत्ती, 3 हरी मिर्च को एकदम बारीक मैं काट ली हूँ, 3 चम्मच मैं रखी हूँ यहाँ पे बेसन, आधा नींबू का रस डाल देंगे, और ये सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी स्मूथ सा बनता है ये कबाब, बहुत मज़े का लगता है। तो मैं तो आज यही बनाने वाली हूँ खाने में, बच्चे लोग का फरमाइश था तो मैं इसी को बनाने, मैं तो कोफ्ता बनाने वाली थी, लेकिन मैं ना नमक भूल गई थी, तो मैं नमक अब डाल ली हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे देखिए साइड से बीच में ही बना दे रही हूँ जगह, क्योंकि मैं कोयले का स्मोक दूंगी, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है ये कबाब में। तो आपके पास अगर कोयला अवेलेबल तो ज़रूर स्मोक दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही इसमें अच्छा लगता है फ्लेवर, जैसे लगता है ना कि कोयले पे बना है। ये कुछ मसाले मैं ग्रेवी के लिए ले रही हूँ, तो खसखस है, गरम मसाला है, लहसुन की कलियाँ मैं निकाल के ले रही हूँ, और 5-6 पीस लाल मिर्च सूखे हैं, 6-7 पीस मैं ली हूँ यहाँ पे ये काजू, और देखिए 2 बड़े साइज़ का टमाटर है, 1 बड़े साइज़ का प्याज को मैं स्लाइस में काट ली हूँ। तो सबसे पहले मैं तेल थोड़ा सा ली हूँ, उसका थोड़ा सा तेल गर्म हुआ तो इसमें मैं लहसुन और ये सब जितना मैं आपको बताई थी ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, और सॉफ्ट कर लेंगे इसको। और मैं खसखस नहीं डाली हूँ, क्योंकि खसखस मैं डायरेक्ट जब इसका पेस्ट बनाऊँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी तो पिसा जाएगा। तो देखिए मेरा मतलब अच्छे से इसमें धुआं मतलब स्मोक आ गया है फ्लेवर, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके इसे एक मतलब एक हिसाब का ले लेंगे इस स्टफिंग को कबाब का। और उसके बाद देखिए आपके पास जो भी है इस तरीके का पेन, पेंसिल या लकड़ी का भी कोई भी मतलब एक हिसाब का, मोटा ना पतला हो, इस तरीके से ले करके आप कबाब बना लीजिएगा, बहुत अच्छा बना था ये। देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है कबाब, तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैं टोस्टर पे फ्राई कर रही हूँ, टोस्टर पैन पे। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा ड्राई मतलब फ्राई करेंगे, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ, और आधा अभी डाल देंगे, आधा मैं बाद में मतलब 2 बार करके इसे फ्राई करूँगी मैं। तो देखिए स्लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, मतलब स्लो मीडियम से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है फ्लेम को, नहीं तो क्या होगा आपका कलर आ जाएगा कबाब का और अंदर से कुक नहीं होगा। तो इसी वजह से मीडियम स्लो फ्लेम पे ही इसे कुक करिएगा, तो बहुत अच्छा अंदर तक एकदम जूसी जूसी सा बनेगा और बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। और देखिए थोड़ा सा मैं गरम मसाला मतलब 2 से 3 मैं लौंग ली हूँ, और 1 हरी इलायची थोड़ा सा चटक गया था तो मैं जो पेस्ट बना के रखी थी उसे डाल देंगे। देखिए मुबशिर भी आज बहुत खुश है, क्योंकि आज उसका फेवरेट मतलब रेसिपी बन रहा है, उसको बहुत पसंद है ये कबाब ग्रेवी वाले।
तो मैं थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा सा स्पाइसी रहता है ना, तो बहुत मज़ा आता खाने में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब स्पाइसी के लिए मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे ना भी डाले तो चलेगा। तो मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, नमक मुझे कम लगा था तो मैं थोड़ा सा नमक और डाली हूँ। मसाला अच्छे से भुना गया था, तो मैं कबाब डालने के बाद इसे फिर से थोड़ा और भूनूंगी, क्योंकि मसाला जो है कबाब में भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए कवर की हूँ मैं, लेकिन बीच बीच में मैं इसे चलाई भी हूँ, चेक करती रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ फ्रेश मलाई क्रीम, ये बहुत ज़रूरी है इस कबाब में। जब मैं ये ग्रेवी वाले कबाब बनाइएगा तो ये अमूल क्रीम जो है फ्रेश क्रीम, आप घर में कभी दूध के ऊपर से छाली में जो मलाई आता है उसे भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं बाहर से ही रेडीमेड मंगाई हूँ। उसके बाद मैं पानी वगैरह बाहर से बिल्कुल नहीं लगाई हूँ, जो मसाले और क्रीम से निकले हैं बस उतने ही हैं, मैं बाहर से बिल्कुल नहीं डाली हूँ पानी। तो देखिए माशाल्लाह मेरा ये सीख कबाब ग्रेवी बनके रेडी हो चुका है, तो मैं फ्लेम को कर दूँगी अब। अच्छा चलिए मैं आपको डिसॉर्ड करके दिखाती हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कैसा बना था मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप अपने मनपसंद पराठा, रोटी, नान जिसके साथ आप खाना चाहें तो खा सकती हैं, बहुत मज़े का बना था। तो बस इस वीडियो का अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।